भाई मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, मेरा लद्दाख जाने का इतना मन हो रहा है ना, मेरा तो मन कर रहा है अभी गाड़ी उठाऊं और चले जाऊं, लद्दाख रेडी हूं मैं। बट दिक्कत वही है कि शूट नहीं हो रखा भाई, पता है लद्दाख के साथ ना एक अलग ही अटैचमेंट। सारी वेलकम टू माई व्लॉगिंग चैनल। तो आज जो मेरा गोल है ना वो ये है कि आज का व्लॉग 10 मिनट का बनाना है, रील नहीं बनानी, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट मार रहे हैं। कल एक बंदा कमेंट मारता भाई ये काम करो ना, अपना व्लॉग रील पे डाल दो। कह रहा अपना व्लॉग रील के अंदर ही डाल दो। दो कमेंट्स बढ़िया हो गए, इनको 500 मिले। एक तो ये जो रील पे डाल दे, एक वो कि भाई इतना बड़ा व्लॉग बनाया, अगर देखते देखते सुबह हो जाती है। और क्या बोलते हैं, मेरी गर्लफ्रेंड की मम्मी भी कह रही थी, कहती कि मेरी चाय खत्म नहीं होती इससे पहले इसका व्लॉग खत्म हो जाता है। तो भाई अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि व्लॉग बड़ा बनाऊँ। आज मेरा जिम बहुत अच्छा जा रहा है, जस्ट बिकॉज आज व्हाट्सएप नहीं चल रहा। गाइस आज मैंने बहुत टाइम बाद ये पहनी, सैंडल बोलते हैं ना इसे, सो लुक्स गुड यार, देख लो फर्क है। बताना फर्क है कि नहीं है, अब ये हटाना है बस, एक बार सेकंड पार्ट शूट हो जाए उसके बाद फुल कटिंग स्टार्ट। भाई मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, मेरा लद्दाख जाने का इतना मन हो रहा है ना, मेरा तो मन कर रहा है अभी गाड़ी उठाऊं और चले जाऊं, लद्दाख रेडी हूं मैं। बट दिक्कत वही है कि शूट नहीं हो रखा भाई, पता है लद्दाख के साथ ना एक अलग ही अटैचमेंट है, हर साल जब तक एक चक्कर ना लगाओ ना लद्दाख में तो मजा नहीं आता। क्यों भाई? अपना घर जैसा लगता है, और ऊपर से लद्दाख में सेटिंग ऐसी है भाई, जो रूम मिलते हैं आप कहोगे मैं बता दूं, पिछली बार जो रूम गया था कितने रुपए का, 600 रुपए का, 600 रुपए इज ऑलमोस्ट फ्री, मतलब इफ टू पीपल आर स्टेइंग टुगेदर तो 300 रुपए पर बंदा, उसमें खाना भी दे रहा है वो बंदा। हाँ। तो 1200 बोल रहा था, इसने पता नहीं क्या उस पर जादू टोना करा, वो बंदा कह रहा 600 दे दो। गाइज मैं आपसे ना थोड़ा जिम का भी पार्ट ज्यादा शूट करूंगा, बिकॉज मेरे को थोड़ा ज्यादा टाइम भी मिल जाएगा अपना ब्लॉग बड़ा करने के लिए, और आपको थोड़ी मोटिवेशन भी मिल जाएगी, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है जब मैं जिम की चीजें शेयर करता हूँ ना, डाइट बनाता हुआ या कुछ भी करता हूँ, तो आप लोगों को मोटिवेशन मिलती है। बाकी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैंने कल एक जगह से कुछ खाया था ठीक है, और मेरा पेट खराब हो गया ठीक है, और बताता हूँ पेट क्यों खराब हुआ है मेरे को। अब एक और चीज़ लगती है, कल मैंने स्विगी से कुछ ऑर्डर किया था, सिर्फ एक चीज़ ऑर्डर करी थी, मेरे को भूख लग रही थी, एंड गलती से उस ऑर्डर की जगह 3 चाप आ गई, दो चिली पनीर आ गए, और एक पनीर टिक्का आ गया, और सूप आ गया, और मैं थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ खा लिया। मैंने उनको कॉल भी करा स्विगी वालों को कि ऐसा हो गया, बट उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं सर, हम आपको रिफंड कर देते हैं, आप ऑर्डर भी खा लो और हम रिफंड भी कर देते हैं। तो मैंने कहा ये तो मजे हो गए, और ऑर्डर भी अच्छा था, टेस्टी था, जवान मेरी चल गई, मैंने कल रात को खा लिया, और उसके बाद भाई सुबह पेट खराब हो गया, मेरे को लगता है नज़र लग गई भाई। है मैंने भी कल चीट करा यार, कल कुछ खाने या चीट करना भाई, देख थोड़ा बहुत मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, हां चीट करना भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है बिल्कुल वो हो जाओ। ये तो ना रोज रोज खाने के लिए, कल जो चिकन नहीं खा सकते थे तो फिर मैंने बंदी छोड़ दिया था, तो फिर मैंने मम्मी ने वो बना रखा था, वैसे तो रात में चावल बनते हैं हमारे घर, बट कल बन रखा था मंचूरियन और फ्राइड राइस, मैंने वो भी खा लिया, मैंने 3 रोटी भी खा ली, मैंने मीठा भी खा लिया, मीठा में 3। बाकी यार पता क्या होता है मेन गेम, पता क्यों बंदा मोटा होता है, जब हम लोग कैलोरी भी हाँ है, लेकिन पता क्या होता है मेन, जैसे हम डाइट फॉलो करते हैं ना तो फिर हम ना प्रॉपर जिम भी कर रहे होते हैं, बट मैंने एक चीज देखी, जब हम डाइट खराब करते हैं, जिम जब सब छोड़ देते हैं, फिर डाइट भी छोड़ देते हैं, तब बंदा ज्यादा हेल्दी होता है। बंदा एक बार को इसमें दिल्ली गया, मैं सही बता रहा हूँ, मैंने 4-5 दिन फालतू खाया, मैं जिम भी जाता रहा थोड़ा बहुत, तो मेरा वेट ही नहीं बढ़ा, इनफैक्ट मैं वापस आया मेरा वेट गिर गया नीचे। तो हर चीज को बैलेंस करना आना चाहिए, ये नहीं आप जिम भी छोड़ दो, डाइट भी छोड़ दो, खाई जा रहे हो और फिर जिम भी नहीं जा रहे, बर्न भी नहीं कर रहे, हमने किसी को देना भी था, किसी नीडी को ये भाई कब कल इसे मेरी गाड़ी में रहने दे, हम कल किसी को। सो गाइज फाइनली सेकेंड एपिसोड की तैयारी शुरू हो चुकी है, एंड ट्रस्ट मी फर्स्ट एपिसोड का लेवल ये था ना, तो भाई सेकेंड एपिसोड का लेवल उससे ट्रिपल गुना ज़्यादा होने वाला है। एंड ऑल्सो गैरी इज बैक, भाई सही बताओ सेकेंड एपिसोड कैसा लगा? ब्रो फाड़ू एंड ना रेडी हो जाओ गाइज, फाड़ने वाले हैं। अवलीन कैसा लगा सेकंड एपिसोड? ओके रिपोर्ट एकदम, फर्स्ट से भी ऊपर लेवल ना, फर्स्ट से तो ऊपर ही है, एंड रिपोर्ट है भाई। नहीं 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 आप ओके कैसे बोल सकते हो? ओके रिपोर्ट ये पंजाबी जी कहते हैं ना साडे ते, ओके रिपोर्ट है, लड़ना है। हां भाई ओके रिपोर्ट, तू क्यों हंस रहा है? मेरा हमें वेब सीरीज, हां तेरे को तो पता ही नहीं हमने क्या बात करी स्टोरी, तेरे को पता नहीं ना, मैं अभी आया मैं पढ़ूंगा अभी तो लिखी नहीं है। अरे मैं वो पढ़ूंगा, स्क्रिप्ट पढ़ूंगा, अभी ये तो उतार दे। बाकी भाई मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, एंड होने वाला है, अभी शूट नहीं हुई, स्क्रिप्ट हमने रेडी करी है, बट अमेजिंग। सो भाई कब से भाई फिर 2 दिन तक शूट स्टार्ट कर दे, अपना 29 की बात करो स्टार्ट, क्या हो जाएगा तेरे को कभी 28 नहीं नहीं भाई हमने थोड़ा पीछे करा, क्योंकि अभी वो उसमें बहुत है पंगे हैं, तो वो सही करने हैं वीडियो में, वो डाल देंगे फटाफट डाल देंगे, जितनी 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 जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी डाल देंगे हम।
और गाइस अब थोड़ा ना घूमने का सीन भी मैं आपको अपडेट कर देता हूँ भाई। मैंने ट्रैवल भी करना है, मेरा ट्रैवल करने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है कि जब आप ट्रैवल करते हो ना, एक्सप्लोर करते हो, मेरे को ऐसा लगता है कि लोगों का ना ब्लॉगिंग पे ज्यादा इंटरेस्ट बनता है। तो मैंने बेसिकली लद्दाख जाना है, हमेशा लद्दाख ही जाता हूँ, लद्दाख या गोवा। मैंने इंटरनेशनल भी जाना है, बट सीन ऐसा हो रहा है जो मेरा पासपोर्ट है ना, वो एक साल में एक्सपायर होने वाला है, तो मैंने उसको रिन्यूअल के लिए दिया है। नवंबर में मेरी डेट है, 22-23 नवंबर की डेट है, तो मैं अपॉइंटमेंट मैंने ले लिया है और मैं उसके बाद पासपोर्ट रिन्यूअल कर दूंगा। जैसे ही पासपोर्ट आता है उसके बाद मैंने एक दो जगह का वीज़ा अप्लाई करना, वो मैं आपको बताऊंगा उसी टाइम जब आ जाएगा ना। तो मेरे को लगता है पहले अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना रिजेक्शन आ जाए, कुछ आ जाए, तो बस अभी अप्लाई करके रख दिया है। तो भाई अभी जो सीन चल रहा है ऐसा चल रहा है, अभी मेन चैनल का जो सेकंड एपिसोड है, मेरे से बहुत लोग पूछ रहे कब आएगा, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ 5 या 7 तारीख के बीच में डाल दूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ा आराम से शूट करूँ। ठीक है, मैं चाहूँ तो 2 दिन में भी निपटा सकता हूँ, बट मेरे को ऐसा लगता है उसको कंप्लीट होने में 3 से 4 दिन लगेंगे। अंकल के भी हमने शॉट्स लिए थे, बट अंकल को फिर बुलाना पड़ रहा है, वो जो पेड एक्टर्स आते हैं पंजाब से, बट मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर पैसे लग रहे हैं डजेंट मैटर्स, बिकॉज प्रोडक्ट अच्छा मिलना बनना चाहिए। आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, ऑलरेडी 1.3 लाख व्यूज़ हो चुके हैं, देख लो। अगर वीडियो अभी तक नहीं देखी कि सोच रहे हो कि भाई अभी पता नहीं क्या डाला है क्या नहीं डाला, तो एक बार देख लो भाई, डेफिनेटली बता रहा हूँ। अगर वीडियो देखोगे हमें मतलब 100% पूछोगे कि भाई साहिब भाई कब आ रहा है जी। भाई अभी हम आए हैं चिकन पॉइंट, क्या खाने आए हम? हेल्दी फिश। तो ये आ गई है हमारी, ये फिश है, कबाब है, ये कबाब है। सो गाइस अगर आप देहरादून रहते हो ना, विशाल मेगा मार्ट के सामने एक फिश मिलती है चिकन पॉइंट पे, ये ब्लर हो रखा है चिकन पॉइंट था भाई, मतलब चिकन कबाब और उनकी फिश एंड लेवल भाई, मज़ा आ गया रमन, गुड चॉइस। तो भाई अभी 2 बज रहे हैं और हम निकल चुके हैं जिम के लिए। बाकी ना मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आती, अभी हम रेड लाइट पे खड़े हैं, ठीक है, रेड से लाइट ग्रीन हुई, Why stupid people start honking? मेरे को ये समझ नहीं आता। इसका नाम चलता है यहाँ पे पार्किंग नहीं देगा भैया, पहली बार नहीं है, हर बार आता हूँ, सामान देने जा रहा हूँ, कूरियर वाला है ये, बोल देना एक बार अंदर आके बात कर लो, ठीक है। कूरियर वाले का काम भी शुरू कर दिया क्या? जहाँ से पैसा आ रहा है सब काम शुरू करो। ये गाइस उसमें लग चुका है ब्लू लाट में सब वो नहीं जा रहा, स्टारबक्स एक लाटे दो लाटे। बाकी भाई अब दूसरा ब्लॉग भी स्टार्ट करना है, तो दूसरा ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए पहला ब्लॉग खत्म करना पड़ेगा। बाकी लद्दाख का प्लान भी आपको मैं फटाफट से अपडेट करता हूँ, और अच्छा लगता है आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, प्यार करते हो, ऐसे सपोर्ट करो, प्यार करो, आई लव यू ऑल।